गाइस, वीडियो का इंट्रो देखने के बाद में आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो कितनी स्पेशल होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इस मेडिकल डिवाइस को। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना, ये है डॉक्टर्स की आन बान शान स्टेथोस्कोप। जब तक ये किसी डॉक्टर या मेडिकल पर्सोनल, नर्सिंग ऑफिसर या फिर हॉस्पिटल में जो भी इमरजेंसी केयर गिवर है उनके गले में आप नहीं देखते हो, तब तक आपको तसल्ली नहीं होती है कि डॉक्टर आ गया है और मुझे मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। और तो और, इस स्टेथोस्कोप को बच्चे भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बच्चों का कोई भी मेडिकल टॉयज किट हो, उसके अंदर में इस डिवाइस के बिना वो किट अधूरा ही रहता है। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इसके क्या पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स किन किन चीज़ों से मिलके बने हुए रहते हैं, कैसे वो काम करते हैं, एक साथ में सारे पार्ट्स इकट्ठे होके कैसे वो काम करते हैं और पेशेंट के बारे में इसे क्या पता लगता है। जैसे कि हम म्यूजिक चलाने के लिए हेडफोन्स यूज करते हैं और उसके बाद में हम आसानी से म्यूजिक सुनते हैं और हमें माइंड में रिलैक्स होता है। क्या वाकई में बॉडी के अंदर से ऐसा कोई म्यूजिक निकलता है जिससे कि एक मेडिकल पर्सोनल इसको लगा के उसको सुनता है और पेशेंट की हेल्थ के बारे में जानता है? तो इसके बारे में भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। और कौन सा स्टेथोस्कोप बेस्ट रहता है मार्केट में? वैसे बहुत सारे 100 रुपये से लेके आपको 10,000 या उससे भी प्लस रेंज के स्टेथोस्कोप्स मिल जाएंगे। तो आपको कैसे अपने लिए बेस्ट स्टेथोस्कोप को चूज़ करना है, वो भी आज की वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल क्लियरली डिसीजन ले पाएंगे। और साथ ही हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा 2 स्पेशल टिप्स, जिनको जानने के बाद में मेरा दावा है आपका स्टेथोस्कोप लाइफ टाइम के लिए आपके गले से नहीं उतरेगा, यानी कि खराब नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेडिकल वर्ल्ड से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेडिकल अड्डा की जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उनको आप सबसे पहले चेकआउट कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके दोस्तों, ये हमारे पास में है माइक्रोटोन कंपनी का स्टेथोस्कोप। दोस्तों, इसको फटाफट कर लेते हैं अनबॉक्स और करते हैं हम आगे की बातें। ओके, ओके, बॉक्स में सबसे पहले हमें मिला है फीडबैक फॉर्म। दोस्तों, आप इसको यूज कीजिए, उसके बाद में फीडबैक लिख के आपको इसकी ओनर कंपनी के पास में हम भेज सकते हैं। और इसके अलावा बॉक्स में मिला है एक ये डायफ्राम का कवर और ईयरबड्स, 2 ईयरबड्स स्पेयर में मिले हैं, इसको रख देता हूँ साइड में। इसके अलावा हमें मिला है दोस्तों ये हमारा स्टेथोस्कोप। ओके फ्रेंड्स, बाकी बॉक्स में कुछ नहीं है, लेकिन बॉक्स में इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से की गई है। तो इस वाले को मैं रख देता हूँ साइड में और नया वाला स्टेथोस्कोप हम करते हैं यूज़। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं स्टेथोस्कोप के पार्ट्स के बारे में। दोस्तों, स्टेथोस्कोप के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, इस वाले पार्ट को हेडसेट बोलते हैं। इसके अलावा ये हेडसेट एक ट्यूबिंग्स के द्वारा यहाँ पे दूसरे पार्ट से जुड़ी हुई रहती है। ये ऊपर वाला हेडसेट वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट दोनों ही मेटल से बने हुए रहते हैं। इसको हम पूरे पार्ट को कहते हैं चेस्ट पीस। तो बात करते हैं इस वाले पार्ट की। ये वाला पार्ट दोस्तों हेडसेट कहलाता है। हेडसेट के अंदर में 2 ट्यूबिंग्स होती है। इन दोनों ट्यूबिंग्स को मिला के हम बोलते हैं बाइन्यूरल्स, यानी कि 1 और 2 है, यानी कि बाई हो गए न्यूरल्स, यानी कि जो ईयर कैनाल में हम साउंड सुनते हैं उन सभी को मिला के इसको बाइन्यूरल्स कहा जाता है। इनका जो एंड पार्ट है इनको ईयर टिप्स कहते हैं। ये ईयर टिप्स कवर होते हैं प्लास्टिक के। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जहाँ पे दोस्तों ये हेडसेट्स और ये जो चेस्ट पीस है दोनों कनेक्ट होते हैं। इनके बीच में एक ट्यूबिंग होती है जो फ्लेक्सिबल रबर की बनी हुई होती है। नॉर्मली ये सिलिकॉन या पीवीसी की बनी हुई रहती हैं। तो ये एक अकोस्टिक ट्यूब होती है जिसके अंदर साउंड ट्रेवल करता है और दोनों साइड से ये एयर टाइट होती है, इसमें लीकेज नहीं होता, जिसकी वजह से साउंड का लॉस नहीं होता है। अब लास्ट पार्ट की बात करें तो ये वाला पार्ट चेस्ट पीस कहलाता है। दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है पूरा का पूरा पार्ट चेस्ट पीस।
चेस्ट पीस के भी दो पार्ट्स होते हैं दोस्तों। एक ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं डायफ्राम, और डायफ्राम के पीछे एक छोटा पार्ट होता है, इसको भी वैसे नॉर्मली लिटिल डायफ्राम कहते हैं, और आम भाषा में इसको हम बेल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखने वाली बात हो गई दोस्तों, डायफ्राम और बेल। हाँ, यहाँ पे एक खास बात है दोस्तों, ये जो डायफ्राम है इसके ऊपर में और पीछे जो बेल है इसके ऊपर में भी एक रिंग चढ़ी हुई रहती है। इस रिंग का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जो आप महंगे लिटमैन टाइप के स्टेथोस्कोप जब आप यूज करोगे, वहाँ पे आप देखोगे ये वाली जो सीलिंग रिंग है ये रबर की बनी हुई होती है और कुछ उठी हुई सी रहती है, जो कि पेशेंट के जब हम चेस्ट साउंड्स को यूज करने के लिए यूज करते हैं तो एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो साउंड्स की वाइब्रेशंस है उसको ये अच्छे से स्टेथोस्कोप कैच करता है। जो भी बॉडी के जो हमारा चेस्ट है या बॉडी के पार्ट्स में जो भी हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड्स जनरेट होते हैं उन सबको कैच करने के लिए ये बड़ा डायफ्राम वाला पार्ट यूज किया जाता है, और जो बॉडी की लो फ्रिक्वेंसी वाली साउंड्स है उनको सुनने के लिए हमेशा इस प्रकार से ये जो बेल वाला पार्ट है इसको यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इनको कैसे यूज किया जाता है, तो इसके लिए ये होता है दोस्तों, बहुत सी बार आपने देखा होगा टीवीज़ में या फिर डॉक्टर्स के पास में, डॉक्टर इस प्रकार से लगाते हैं और लगाने के बाद में ऐसे टच करके देखते हैं या फिर इधर से टच करके देखते हैं, तो वो ऐसे ही मज़े लेने के लिए नहीं कर रहे होते हैं दोस्तों, वो चेक कर रहे होते हैं कि कौन से वाला पार्ट काम कर रहा है। इसके लिए क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, साउंड सुनिए, जो ये टिक टिक की साउंड आ रही है यही इसका लॉक है, और जो ये वाला पार्ट इससे जुड़ा हुआ है इसको भी हम स्टैम्प कहते हैं। स्टैम्प वाले पार्ट में लॉक होता है, जब आप इस प्रकार से घुमा दोगे तो ये बेल वाला पार्ट काम करने लग जाएगा, और जब इस प्रकार से आप घुमाओगे तो ये डायफ्राम वाला पार्ट काम करने लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी हो गए इसके पार्ट्स। अब बात करते हैं ये हमें कैसे यूज करना चाहिए, तो इसके लिए यही है दोस्तों, आपको इस प्रकार से स्टेथोस्कोप को अपने कानों में लगाना है, कानों में लगाने के बाद में आपको चेक कर लेना है कि ये डायफ्राम वाली साइड वर्क कर रही है या फिर यहाँ पे ये बेल वाली पार्ट। तो डायफ्राम वाली पार्ट को इस प्रकार से हमें चेक करके रखना है, और जो भी पेशेंट की साइट है चेस्ट पे हार्ट बीट को सुनने के लिए वहाँ पे इसको लगाना है और आराम से शांत मन से इसको सुनना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। दोस्तों, स्टेथोस्कोप का नॉर्मली यूज किया जाता है हमारे जो भी चेस्ट के अंदर में लंग्स है या फिर हार्ट है उनके द्वारा जनरेट होने वाली साउंड्स को, जो भी उनकी साउंड्स की फ्रिक्वेंसी है उनके वाइब्रेशन को सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार की साउंड सुनाई देती है इस स्टेथोस्कोप के द्वारा। दोस्तों, जब इस स्टेथोस्कोप को आप डॉक्टर चेस्ट पे लगाते हैं तो अगर आपके लंग्स नॉर्मल है तो आपको इस प्रकार की साउंड सुनाई देगी, और या फिर लंग्स में कोई बीमारी है तो वीजिंग साउंड इस प्रकार से सुनाई देगी। और इसके अलावा स्टेथोस्कोप को यूज करके हम हार्ट बीट को सुनते हैं, हार्ट बीट के अलावा हार्ट की वाल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को भी सुनते हैं। इसके अलावा बहुत से एक्सपर्ट्स के द्वारा हमारी इंटेस्टाइन की जो साउंड होती है उनको सुना जाता है, और जो ये छोटे वाला पार्ट है जहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी की साउंड सुनना सुनते हैं उनको हम स्किन पे लगा के, जैसे हमारी आर्टरीज होती है या वेंस होते हैं उनकी द्वारा जनरेट होने वाली जो साउंड्स होती उनको सुना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो में आपने जान लिया है कि स्टेथोस्कोप के कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे इसको सही से यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर मेंटेनेंस के बारे में। वैसे तो दोस्तों स्टेथोस्कोप सालों साल कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी इसकी मिसहैंडलिंग होती है या फिर आप इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी स्पॉइल जगह पे या फिर किसी इन्फेक्टिव एरिया या किसी पेशेंट को टच किया उसके बाद में अगर आप इसको प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं तो फिर ये ज़्यादा दिनों तक काम नहीं करता है। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, ये जो डायफ्राम वाला पार्ट है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पार्ट है। तो दोस्तों, डायफ्राम को जब भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को आपने अगर उस पर यूज किया है तो आपको जो 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के स्वैब है उसके द्वारा डायफ्राम को अच्छे से
क्लीन कर लेना होता है। और इसके अलावा अगर आप ईयरबड्स में को भी देख रहे हो, अगर मल्टीपल यूजर्स के द्वारा स्टेथोस्कोप को यूज किया जाता है, तो फिर इनके ईयरबड्स को भी आपको निकालना होता है और उनको भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% के द्वारा डिसइंफेक्ट करते हैं और इस बीच में आप दूसरे ईयरबड्स लेके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टेथोस्कोप को हमेशा कॉलर के ऊपर की साइड में ही रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मेटल वाला पार्ट है वो डायरेक्टली स्किन को जब टच करता है तो उससे भी इरिटेशंस हो सकती है। इसके अलावा स्टेथोस्कोप को कोई भी ऑयली पार्ट है या कोई सॉल्वेंट्स है उसके ऊपर में टच होने से आपको बचाना चाहिए। ऐसा करने से आपका ये स्टेथोस्कोप सालों साल आपका साथ देगा। यहाँ पे एक खास बात ये है, आप अगर इस प्रकार से स्टेथोस्कोप को देखोगे तो ये जो ईयरबड्स हैं वो एक साइड में बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कभी तो इनको स्टेथोस्कोप्स को इस प्रकार से पहन लेते हैं और कभी इस प्रकार से पहन लेते हैं। दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टरी कर रहे हो या फिर पैरामेडिक्स हो या फिर नर्सिंग में हो, ये गलती बार बार करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये जो जहाँ पे ईयरबड्स बाहर की तरफ होते हैं हमेशा उस प्रकार उनको ही इस प्रकार से हमें यूज करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारी ईयर्स की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से आउटवर्ड अपवर्ड की तरफ होती है, जिससे कि साउंड ब्लॉक नहीं होती। अगर आप इस प्रकार से पहन लोगे तो फिर यहाँ से जो भी साउंड जनरेट हो रही है वो आपको सुनाई नहीं देगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर छोड़ दीजिए और मुझसे कोई बात भी मिस हो गई है तो आप कमेंट में जरूर मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और अगर आप जानना चाहते हैं स्टेथोस्कोप का यूज करके कैसे हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं तो उसके लिए ये वाली वीडियो देखिए। और इसके अलावा स्टेथोस्कोप्स को हम और किन किन जगह पे यूज कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा कौन से साउंड सुनाई देती है, उनको जानने के लिए ये वाली वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्स। बाय बाय।